मैम सुधिया है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है, बाहुबली डीएस जिंदगी और कई सारी बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई। वो ये है कि ये सब फिल्में अब पाकिस्तान में रिलीज होने वाली है। जी हाँ, फिल्म फेस्टिवल के दौरान इन सब फिल्मों को दिखाया जाएगा। तो इस खबर के बारे में थोड़ी सी डिटेल और जान लेते हैं। वैसे तो खबर कल की है, कल दोपहर या शाम की, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा जब मुझे वक्त मिले तो मैं इसे अच्छे से बताऊँ, क्योंकि एक बड़ी खबर है। वो क्यों, चलिए मैं बताता हूँ पूरी की पूरी अभी तक के अपडेट के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एस एस राजामौली जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है बाहुबली 1 और 2, उन्हें बुलावा आया है पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से, ठीक है। और इसके साथ ही जो भारतीय एक्ट्रेस है नंदिता दास, वो भी जाएंगी इस, आई थिंक जज के तौर पे जाएंगी या फिर ज्यूरी के तौर पे, जिस तौर पे भी जाएंगी, बट उन्हें बुलाया गया है पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और राजामौली ने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है कि आई एम मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ देम ऑल इज नाउ पाकिस्तान, कि ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज हो रही है तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइट हूँ। उनके फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी, पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। आपको बता दूँ कि फिल्म फेस्टिवल कब से चलने वाला है, यानी कि आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज मार्च 29 है और 1 अप्रैल तक ये फिल्म फेस्टिवल चलने वाला है। और ये फिल्म अकेले ही नहीं, यानी कि बाहुबली अकेले ही नहीं, बाहुबली के अलावा कई और फिल्में जो रिलीज़ होने वाली है वो देख सकते हैं। आपको नाम बता देता हूँ, डियर जिंदगी, आंखों देखी, हिंदी मीडियम, कड़वी हवा, नील बटे सन्नाटा, सॉन्ग ऑफ द स्कॉर्पियंस, ये उनकी है इरफान खान की, और मराठी मूवी सैराट, यानी कि बहुत बढ़िया फिल्म है। ये समझिए कि जो फिल्मों के नाम दिखाए गए हैं, ये पिछले दो से ढाई साल या तीन सालों में हिंदी सिनेमा या मराठी सिनेमा या हमारे जो भी इंडियन सिनेमा सीधा सीधा हम कहें, ये सब बेहतरीन फिल्में हैं। तो पाकिस्तान के जो दर्शक हैं या मुझे जो देखते हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको अगर वक्त मिले या पॉसिबिलिटीज़ हो कि इन फेस्टिवल में जाके आप फिल्म देख सकें, तो मैं कहूँगा ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया फिल्म फेस्टिवल है जो आज से शुरू हो चुका है, 1 अप्रैल तक रहेगा पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और बाहुबली की वहाँ पे ज़रूर धूम होने वाले, क्योंकि जब भी फिल्म रिलीज़ हुई थी पाकिस्तान में, चाहे 1 हो या 2, लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस फिल्म को देखा था। और फिल्म फेस्टिवल में आपको बहुत बेहतरीन फिल्म देखने का मौका दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग बाहुबली हिंदी मीडियम, शाहरुख खान की फिल्म डियर जिंदगी, कड़वी हवा और बहुत सारी और फिल्म। आपको बता दो, आंखों देखिए और कड़वी हवा में संजय मिश्रा है जो बहुत बढ़िया एक्टर है। चलिए फिलहाल के इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए बाय बाय।